आप सभी कृष्ण प्रेमियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कृष्ण की कृपा आप पर बनी हुई होगी, आपका जीवन कृष्णमय हो रहा होगा। तो आज का टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि कई व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का यही क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि हम मासिक धर्म में जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अपने उन 3 दिनों में मासिक धर्म में ठाकुर जी की सेवा कर सकती हैं, क्या हमें ठाकुर की सेवा करनी चाहिए, उन्हें स्पर्श करना चाहिए, कि अगर नहीं कर सकते तो उन 3 दिनों में हम ठाकुर जी को ऐसे ही छोड़ दे बिना सेवा करे, नहीं करेंगे तो हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे, उन्हें भोग कैसे लगाएंगे, बिना नहलाए कैसे रखेंगे। तो ये सब इसे सारे सवालों का जवाब मैं एक ही वीडियो में आपका दे देती हूँ, इसलिए फिर आप लोगों को बार बार अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मासिक धर्म होता क्या है जो हमारी स्त्रियों की जिंदगी में है। एक बार इंद्र ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी जिससे उसको ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था, यानी पाप लग गया था। तो उससे बचकर वे डरकर इधर उधर भागते रहे 1 साल तक। वहां उधर स्वर्ग में उसके सिंहासन को लेकर झगड़ा होता गया और वहां के देवता परेशान होकर बृहस्पति देव के पास गए कि कृपया इंद्र जी को उस पाप से मुक्त कराइए, क्योंकि वहां स्वर्ग में उथल पुथल मची हुई है और हमारा सिंहासन खाली है, तो कृपया उनको उस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कराइए जिससे वहां की स्थिति संभाली जा सके। तब बृहस्पति जी ने एक उपाय बताया था, तो ब्राह्मण की हत्या के पाप को 4 जगह पर बांट दिया गया था। वो 4 जगह थी स्त्रियां, वृक्ष और जल और भूमि। इन 4 जगह पर ये ब्राह्मण हत्या का दोष बांट दिया गया था और इन 4ों को पाप लगा था आधा कुछ कुछ हिस्सा करके, और उसी के साथ उनको एक वरदान भी दिया गया था पाप के साथ साथ। और बताती हूँ वो क्या क्या है। जल को ये मिला था कि जो जल में जो झाग उठ जाते हैं वो इसी पाप के दोष की वजह से होता है, और जो जल को जो वरदान मिला था कि जल से कोई भी चीज स्पर्श होगी तो वो उसको स्वच्छ कर देगा, पवित्र कर देगा, जल में पवित्रता की जो शक्ति है हर चीज को साफ करने की, वो उसी वरदान की वजह से है। दूसरा आता है भूमि। इस भूमि के इस पाप की वजह से भूमि का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी का बंजर हो गया था। इसी के साथ उसको ये वरदान मिला था कि अगर कोई भी गड्ढा होगा उस भूमि में तो वो अपने समय के साथ साथ अपने आप ही भर जाएगा। तीसरा मिला था वृक्ष को। वृक्ष को जो वृक्ष में गोंद निकलती है, बहती है, वो इसी पाप की वजह से होती है, और वरदान ये मिला था वृक्ष को कि अगर कोई भी उसका टहनी या कोई हिस्सा काटा जाएगा वो समय के साथ अपने आप ही उभर जाएगा बिना किसी की मदद के। और चौथा होता है वो स्त्रियों को मिला था, जिसकी वजह से हम लोगों का मासिक धर्म होता है, जिसकी वजह से इस पाप के कारण हम इस 3 दिनों में अशुद्ध होते हैं। ये हमें दोष लगा था अपवित्र होने का, और इसमें वरदान ये मिला था कि इसी के चलते स्त्रियां एक नए जीवन को पैदा करने के लिए समर्थ होंगी। तो ये 4 थे पाप और उनके साथ साथ वरदान दिए गए थे इन 4ों को। इस बात के तहत शास्त्रों में जैसा वर्णन है, जो स्त्रियां होती हैं इन 3 दिन के दौरान अशुद्ध अवस्था में होती हैं और अपवित्र होती हैं, जिसके चलते हम किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप या अनुष्ठान कुछ हम ऐसे में भाग नहीं ले सकती। अगर हम करेंगी भी तो वो संपूर्ण नहीं साबित हो सकता, वो संपूर्ण नहीं कहलाएगा अगर हम ऐसी अवस्था में कुछ करती भी हैं धार्मिक क्रियाकलाप। तो ऐसे में शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ कि हम जो ठाकुर की जो सेवा है उनको स्पर्श करना, किसी भी ग्रंथ को स्पर्श करना, गीता, भागवत, किसी भी ग्रंथ को, पुराण को हम स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे में वो निषेध है शास्त्रों के अनुसार, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी हम इतना, हमारी भक्ति उस लेवल पर तो पहुंची नहीं है अभी। तो आप कुछ कहेंगे कि हम तो फिर कैसे करें ठाकुर की सेवा ऐसे में, 3 दिन ऐसे ही छोड़ दें भगवान को। तो आप एक काम करिए, घर में आपके और भी जने होंगे, आप उनको बोल दीजिए करने के लिए, या फिर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अगर ठाकुर की सेवा अगर आप रेगुलर करते हो तो आप मानसिक उनकी भी उन 3 दिन कर सकते हो। आप मानसिक भी वही लोग अच्छी कर पाते हैं सेवा जो डेली वास्तविक सेवा करते हैं, वो लोग मानसिक सेवा अच्छी कर पाते हैं। तो आप मानसिक सेवा कर सकते हो अगर कोई और उपाय नहीं मिल रहा तो। कुछ पूछते हैं कि भाई हम आरती पढ़ सकते हैं, 40 पढ़ सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं क्या,
तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई आरती चालीसा, कोई मंत्र या कोई गीता का कोई श्लोक या भागवत का कोई श्लोक अगर आपको कंठस्थ है, मतलब कि याद है, तो आप उसका उच्चारण कर सकते हो, जबान से स्मरण कर सकते हो और भगवत चिंतन कर सकते हो। लेकिन आ ग्रंथ कोई भी उठा करके आपको स्पर्श नहीं करना है, और क्योंकि ये शरीर आपका अशुद्ध अवस्था में है, आत्मा तो आपकी शुद्ध है, वो तो शरीर से पृथक है, मतलब अलग है। जो आप नाम लोगे वो तो अपनी आत्मा से लोगे, अपने मन से लोगे, तो वो तो पवित्र है, उसको तो हम किसी अवस्था में भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्पर्श आप करोगे वो तो आप इस शरीर के द्वारा ही स्पर्श करोगे ना, जो कि इस वक्त अशुद्ध है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। बाकी ठाकुर की जैसी आज्ञा हो, जैसा वे आपको प्रेरित करें करने के लिए, आप वो कर सकते हैं। ना एक और चीज है जो सबसे बेहतर है, आप कर सकते हो, और मेरी माने तो सबसे बेहतर ये है, इन 3 दिनों में आप जब आप भगवान का नाम जप करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, पूरा सुबह से लेके उठने से लेके पूरे शाम के रात तक आप जितना जप पे जप भगवान का नाम जितना ले सकते हैं लीजिए। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है, जिसने जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा चिंतन करता है ये पार, तो उसको ये समझना कि उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ उसने कर लिए, सारे तप उसने कर लिए, क्योंकि मैं उसके हृदय में हमेशा वास करता हूँ। तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा। मैं हमेशा इसी बात को कहती रहती हूँ, आप इन 3 दिनों में डट कर नाम लीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। देखिए आपको उसका फल उस सेवा से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री हरि का नाम और खुद भगवान श्री हरि अलग नहीं है, ये एक ही है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप नाम लेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा प्रभु के निकट आते चले जाएंगे। तो भगवान का नाम लीजिए इस दौरान पूरा जितना हो सके, जितना और दिनों में भी नहीं लेते उस दिनों का फायदा उठाइए। और कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा नाम लीजिए। हाँ, अगर कुछ श्लोक याद है या चालीसा याद है तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, स्पर्श नहीं करना है। बाकी ठाकुर जी से आपके जैसे संबंध है बाकी की वो बताएंगे, बाकी ठाकुर जी आपको जैसा प्रेरित करें करने के लिए वैसा आप करिए, जैसी ठाकुर की इच्छा है। क्योंकि नियम बनाने वाला अगर कुछ कह रहा हो तो उसकी आज्ञा हमको माननी पड़ती है। तो बाकी आपका संबंध और ठाकुर का संबंध आपस का वो आप दोनों जाने, बाकी शास्त्र तो यही कहते हैं और हमें शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। तो आप यही कर सकते हैं, नाम जप कीजिए ज्यादा से ज्यादा इन 3 दिनों में, और भगवत चिंतन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी का चिंतन कीजिए ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, और अपने ठाकुर से प्रेम करते रहिए, उनको याद करते रहिए इन 3 दिनों में। सबसे बढ़िया यही है, सबसे अच्छा और सुलभ और यही है, और सबसे फायदेमंद जो है गोली कलयुग की वो यही है, नाम स्मरण करें, नाम जपें जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का हो सके। तो इस संदर्भ में मेरा यही कहना है, मैंने आपको बता दिया है, आप ये सब कर सकते हैं। बाकी और कोई समस्या है तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसी को लेकर पूरी वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आपको बताती रहती हूँ। श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन भी कृष्णमय हो जाए, इसी कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।